हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ रमनदीप कौर। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की साइंस का, एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन आर सराउंडिंग्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है जी। मैं ये चैप्टर रीड करवाने के साथ साथ आपको इस चैप्टर के नोट्स भी करवाऊंगी, तो आप पेंसिल और अपना नोटबुक लेकर बैठिएगा, साथ साथ में आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको पूरे साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है कि जो हमारे आसपास मैटर्स होते हैं वो तीन तरह की स्टेट्स होती हैं उनकी। आप ये राइट डाउन कर लो कि फर्स्ट स्टेट होती है उनकी सॉलिड, ठीक है जी। सेकेंड होती है लिक्विड एंड थर्ड वन होती है गैस। थ्री टाइप्स होते हैं मैटर के, स्टेट्स के। तो सबसे पहले हमने सॉलिड स्टेट के बारे में रीड करना है। ठीक है जी। उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपको सिर्फ यही बताया हुआ है कि जो हमारे आसपास मैटर्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन तरह के होते हैं। ठीक है जी। तो दीज स्टेट्स ऑफ मैटर्स अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो अलग अलग तरह के मैटर्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के डिफरेंस में डिफरेंस होने की वजह से, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होने की वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैस में उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले उन्होंने एक्टिविटी 1.9 दी है, उसमें उन्होंने बोला है कि आप एक पेन ले लो, पीस ऑफ वुडन स्टिक ले लो, नीडल ले लो और बुक ले लो। ठीक है। तो आप इन चार पांच चीज़ें लेके, तो इनके ऊपर आपने अपनी स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक, नोटबुक के ऊपर पेन रख के उसके बाद बुक रख के, ठीक है जी, अलग अलग रख के इनको, तो उनकी साइड्स पे आपने पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है। तो आप देखोगे कि इनकी सभी चीज़ों की शेप अलग अलग होती है। ठीक है जी। तो डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, ये डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, और ये फिक्स्ड वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, ये एक स्पेसिफिक जगह घेरते हैं। ठीक है जी। तो क्या होगा अगर आप इनको हैमर से मारोगे या इनको खींचोगे या इनको ड्रॉप करोगे, फेंकोगे नीचे जोर से, ठीक है, नीडल को जोर से फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा, पीस ऑफ वुडन स्टिक को भी कुछ नहीं होगा, पेन हो गया ये आपका टूट सकता है नीचे गिर के अगर जोर से गिराओगे तो, बुक को आप कंप्रेस करोगे तो बुक को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगी, हैमर से उसको मारोगे तो उसको नहीं इफेक्ट पड़ेगा, नीडल से को मारोगे तो नीडल टूट सकती है, पीस ऑफ वुडन स्टिक भी हैमर से टूट जाएगी। ठीक है जी। तो उनके ऊपर अलग अलग एक्टिविटीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है ये उन्होंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला है। तो आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर। तो क्या जो ये चीज़ें हैं, पेन वगैरह है, बुक वगैरह है, तो क्या ये एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो रही हैं। ठीक है। डिफ्यूजिंग का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिफ्यूजिंग का मीनिंग होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन। ठीक है। अपने आप जब वो दो अलग अलग तरह के मैटर्स के पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजिंग। ठीक है। तो क्या इनकी डिफ्यूजिंग हो रही है, ट्राई कंप्रेसिंग दैम, उनको कंप्रेस करके देखो, अप्लाइंग फोर्स करके देखो, उनके ऊपर फोर्स को अप्लाई करके देखो, आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। तो क्या ये आप कंप्रेस हो रहे हैं, बुक कंप्रेस हो रही है, नीचे को जा रही है। तो ऑल द अबव एग्जाम्पल्स अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। तो ये सारे सॉलिड्स की एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हुआ कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, यू हैव टू राइट डाउन इन दिस। तो आप अपने जब नोट्स बनाओगे ऊपर सॉलिड का एक नंबर वन पॉइंट बना के उसके नीचे प्रॉपर्टीज़ राइट डाउन कर लीजिए साथ साथ में कि क्या क्या है, कि सॉलिड्स ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप्स, कि सॉलिड्स जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। कोई कोई सॉलिड होता है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी अच्छी होती है, अदरवाइज सॉलिड चीज़ों को आप कंप्रेस करोगे, उनके ऊपर प्रेशर डालोगे तो वो अपनी
शेप को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, उनकी शेप जैसी होती है वैसे ही रहती है व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, अगर आप बाहर से जोर लगाओगे तो उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, सॉलिड्स जो होते हैं वो फोर्स लगाने, ज़्यादा फोर्स लगाने के ऊपर टूट जाते हैं, टूट सकते हैं। जैसे वो लकड़ी है, वुडन पीस है, उसके ऊपर आप हैमरिंग करोगे तो वो टूट जाएगी, बट टूट जाएगी पर वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, टूट के वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड, ठीक है जी। जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो आपने देखा इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड दे आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड, दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है जी। तो उन्होंने कंसीडर द फॉलोइंग दिया हुआ है कि आप एक रबर बैंड को लेकर उसको आप स्ट्रेच करोगे तो क्या वो अपनी शेप चेंज करेगी, ऑब्वियसली वो शेप एक टाइम चेंज कर लेगी, बट जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो पार्टिकल्स फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और फिर वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो वट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट अपनी जब उनको हम जार में डालते हैं, जब उनको जार में डालते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे से शुगर के और साल्ट के, वो अपनी जगह, वो अपना शेप चेंज नहीं करते, ठीक है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करते। जैसा जार हम, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो जैसा भी जार हम उनके, जिस भी जार में हम उनको डालते हैं तो वो जार में जाके उस जार की शेप ले लेते हैं, पर वो अपनी जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स की शेप चेंज नहीं होती। तो वॉट अबाउट अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होगा वो आपने देखा होगा, वो सॉलिड होता है बट उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसमें वो प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने नीचे इसके बारे में बताया हुआ है कि रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स अ सेम शेप व्हेन इट्स, जब उसको छोड़ते हैं तो वो रीगेन, सेम शेप को रीगेन कर लेता है, फोर्स इज रिमूव, ठीक है। तो इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अगर हम बहुत ज़्यादा जोर से फिर भी उसको खींचते रहेंगे तो वो टूट जाएगा। तो शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर जो शेप होती है शुगर की और सॉल्ट की वो सेम रहती है, जब हम उनको हाथ में लेते हैं या उसको प्लेट में डालते हैं या फिर उसको जार में डालेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी शेप चेंज कर लेगा, बट क्रिस्टल्स की शेप चेंज नहीं होगी। तो स्पॉन्ज के क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनके अंदर हवा भरी होती है, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, ठीक है जी। स्पॉन्ज के छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनके बीच में एयर ट्रैप्ड हो रखी होती है, तो जब हम उनको प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो जो एयर होती है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम उसको इजीली कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है जी। ये तो होगी स्टेट्स सॉलिड की बात, ठीक है जी। सॉलिड के पहले हमने देखा कि मैटर के स्टेट्स थ्री तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने सारा इसमें रीड करा। तो अब हमने पढ़ना है लिक्विड स्टेट के बारे में, ठीक है जी। सॉलिड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे अब इस पार्ट में हम। तो उन्होंने कहा है कि वाटर ले लो आप, कुकिंग ऑयल, मिल्क जूस या कोल्ड ड्रिंक, इनमें से आप सारी ये लिक्विड चीज़ें हैं, इनको आपने कलेक्ट करना है और इनको आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स में डाल के देखना है, जैसे बाउल में डाल लिया, फिर ग्लास में डाल लिया आपने, या प्लेट में डाल लिया, या फिर किसी बॉक्स में डाल लिया, अलग अलग तरह के कंटेनर्स में इसको डाल कर देखना है। तो क्या आप ऑब्जर्व करते हो कि इनकी शेप चेंज हो रही है, ये अपनी शेप चेंज करते हैं? तो वट अगर आप इनमें से ऐसे लिक्विड्स को फ्लोर पर फेंक देते हो तब क्या होता है, और अगर आप डिफरेंट कंटेनर्स में डालते हो तब उनकी शेप में क्या चेंजेस आते हैं? व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, तो डज इट फ्लो इजीली, क्या वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इजीली पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं? तो हमने क्या ऑब्जर्व करा इन एक्टिविटीज़ के साथ कि वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, कि लिक्विड्स की कोई अपनी फिक्स्ड शेप नहीं होती, बट एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो एक स्पेसिफिक जगह घेरते हैं पर उनकी कोई अपनी शेप नहीं होती। तो दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, हम जिस भी कंटेनर में उसको उनको डालते हैं वो उस कंटेनर की शेप ही ले लेते हैं, ठीक है जी। तो लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं इजीली, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और अपनी शेप को चेंज करते हैं, सो दे आर नॉट रिजिड, तो ये रिजिड नहीं होते बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो हम लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि ये इजीली फ्लो हो जाते हैं। तो रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 जो हमने लास्ट वीडियो में करी थी, तो वेयर वी सॉ दैट द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, हमने उसमें देखा था कि सॉलिड्स हो गए, सॉल्ट और शुगर वगैरह थी, वो लिक्विड में
इजीली डिफ्यूज़ हो जाते थे अपने आप, ठीक है, लिक्विड्स भी और सॉलिड्स भी अपने आप लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। हमने इंक डाल के देखी थी, वो भी डिफ्यूज़ हो जाती थी अपने आप, इंटरमिक्सिंग हो जाती थी। तो गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज़ एंड डिजॉल्व इन वाटर, जो गैसेज एटमोसफेयर में होते हैं, हवा में जो गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन वगैरह होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगी, वो वाटर में अपने आप ही डिफ्यूज़ हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। हमने कभी सोचा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मैरीन समुद्र में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, फिशेज वगैरह होते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे जीते हैं? तो वो जो समुद्र का पानी होता है, सी का पानी जो होता है, वो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो खुद मिल जाती है, उनमें खुद ही मिल जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो उसके अंदर ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। आपको अभी भी बता के रहती हूँ मैं कि जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है, उसके वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, वो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है, उसको डिजॉल्व होने की वजह से एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड्स, ठीक है। तो हम ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज में, आप जब लिखोगे प्रॉपर्टीज तो आप उसमें ये लिखो लिख सकते हो कि जो लिक्विड होता है उसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों मैटर स्टेट्स जो होती हैं वो लिक्विड के अंदर इजीली अपने आप डिफ्यूज़ हो जाती है, इंटरमिक्सिंग इनकी अपने आप हो जाती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया हुआ है कि दस वी मे कंक्लूड दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। जब लिक्विड के अंदर हम लिक्विड डालते हैं तो वो जल्दी उसके अंदर इंटरमिक्सिंग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। ऑब्वियसली हम आप शुगर वगैरह डालोगे, शुगर तो थोड़ा टाइम लगेगा मिलने के लिए, शुगर को पानी में या किसी दूध में मिक्स होने के लिए, बट अगर आप दूध में पानी डालते हो तो वो एकदम से साथ साथ मिक्स हो जाएगी। इंक डालोगे पानी के अंदर तो वो भी साथ साथ में मिक्स हो जाएगी, ठीक है जी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इज द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चिपके हुए होते हैं, ठीक है, पर जो लिक्विड के होते हैं वो फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं, उनके अंदर थोड़ी स्पेस होती है। उनके अंदर स्पेस होने की वजह से क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो उसके अंदर लिक्विड के अंदर भी स्पेस होती है और जो दूसरा लिक्विड होगा उसके अंदर भी स्पेस होगी, तो इसलिए वो अपने आप एक दूसरे के अंदर जल्दी से इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड्स के अपने आप इंटरमिक्सिंग जो होती है, डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड्स का, वो थोड़ा हाई रेट पे होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है जी। तो थर्ड स्टेट है गैसियस स्टेट, ठीक है जी। ऑलरेडी हम टू स्टेट्स कर चुके हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, अब थर्ड वन है गैसियस। गैसियस में क्या होता है? सबसे पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने आपको यही बताया हुआ है कि बैलून सेलर जो होता है उसने सिलेंडर में काफ़ी सारी गैस भरी होती है, और वो बैलून्स में बस सिलेंडर के थ्रू गैस भर के बैलून्स को हवा में उड़ा देता है। तो आपने उनसे पूछना है कि जो सिलेंडर होता है उसमें उन्होंने कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है। तो सिलेंडर में जो गैस होती है उसको हम बोलते हैं हीलियम गैस। हीलियम गैस, इसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये गैस जो होती है एयर के कंपैरेटिवली बहुत ही लाइट वेट होती है, ठीक है जी, बहुत लाइट वेट होती है ये वाली हीलियम गैस। इसलिए ही जब हवा में हवा इसको उड़ाते हैं, क्योंकि ये गैस हल्की होती है इसलिए वो हवा में बैलून इजीली उड़ जाता है। तो उसके बाद उन्होंने एक्टिविटी नंबर 1.1 दी हुई है, उसमें उन्होंने आपको बोला है कि 100 ml की आपने 3 सिरिंजेस लेनी है, और उसके पिस्टन को आपने पिस्टन को रिमूव कर देना है, सिरिंजेस के पिस्टन को रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके जो नोज़ल होगी, पिस्टन के नोज़ल, या जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है पिक्चर में, उन्होंने नोज़ल में आपने रबड़ का कॉर्क लगा देना है ताकि उसमें हवा ना निकले बाहर, ठीक है जी। और उसमें से आपने तीन थ्री सिरिंजेस में से एक सिरिंज को आपने ऐसे ही छोड़ देना, उसको आपने कुछ नहीं करना, ठीक है।
सिर्फ उसमें रबर कॉक लगा के उसको छोड़ देना है। जो सेकंड वाली सिरिंज है उसके अंदर आपने वाटर भरना है, पानी भरना है, कोई भी लिक्विड फिल करना है पिस्टन को निकाल के, ठीक है जी। और थर्ड वाली जो सिरिंज है उसके अंदर आपने चॉक फिल कर देना है। अब जो ये फर्स्ट वाली है ये खाली है, इसका मतलब इसके अंदर गैस है। सेकेंड वाली जो है इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है जी। और थर्ड वाली जो है इसमें इसके अंदर चॉक है, इसका मतलब कि ये कि सॉलिड है। तीनों सिरिंजेस में हमने तीनों मेटल्स की अलग अलग चीज़ें डाल दी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने क्या ऑब्जर्व करा कि क्या हुआ इन तीनों को अलग अलग से डालने के लिए, ठीक है जी। डालने के बाद आपने क्या नोट किया, क्या ऑब्जर्व किया? तो हमने देखा कि जिस सिरिंज को हमने खाली रखा था उसमें गैस थी, हवा थी। ऑब्वियसली अगर चीज़ के अंदर कुछ नहीं डाला होगा तो उसमें हवा होगी, तो वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है जी। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरेटिवली गैसेज जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ईजिली कंप्रेस हो जाती हैं। एलपीजी गैस जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो भी सिलेंडर में आती है, सिलेंडर में उनको ईजिली कंप्रेस करके उसमें सिलेंडर में भर दिया जाता है। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, उनमें भी ऑक्सीजन गैस जो होती है कंप्रेस करके डाली जाती है। आजकल सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी के व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा ऑटोज़ वगैरह चलते हैं ग्रीन कलर के, जो वो सीएनजी ऑटोज़ होते हैं वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के साथ चलते हैं, उनमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ही एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है जी। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए एक सिलेंडर्स में, स्मॉल सिलेंडर में हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की गैस भर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गैस भर सकते हैं, उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बींग कुकड इन द किचन। ये तो हो गया कि जो गैसेज है कंप्रेसिबिलिटी होती है उनकी, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि गैसेज जो होती हैं वो एयर में कितनी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। जो भी एयर के अंदर जो अब खाना बनता है किचन में, उसके जो अरोमा के, उसके जो खुशबू के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में इतनी जल्दी फैल जाते हैं कि हम काफ़ी दूर भी बैठे होते हैं तो भी हमें ईजिली उसकी खुशबू आराम से मिल आ जाती है, कहीं भी बैठे होते हैं। इवन कि हमारे नेबर्स के घर में भी कुछ बन रहा होता है, हॉट हॉट कुक्ड फूड बना रहे होते हैं नेबर्स भी, तो उनका भी, उनके घर में क्या बन रहा है वो भी खुशबू हमारे घर तक आ जाती है। मतलब कि डिफ्यूजिंग उनकी इतनी ज़्यादा है पार्टिकल्स की, गैस के अंदर हवा के अंदर, गैस के इसके पार्टिकल्स की हवा के अंदर डिफ्यूजिंग इतनी ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा फास्टली डिफ्यूज़ कर जाते हैं, मिल जाते हैं हवा के अंदर, ठीक है जी। स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस इन सेकेंड्स, जस्ट सेकेंड्स में पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। कह रही कि इस चीज़ को आप सॉलिड और लिक्विड्स को डिफ्यूज़ करके देखो आप किसी गैस में, और उसके कंपैरेटिवली जो गैस है, जो हवा है, उसके अंदर जो खाने की खुशबू के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैट, ठीक है। पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे की तरफ घूमते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और उनके बीच में जो स्पेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। सो गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, ठीक है जी। इसलिए गैसेस के अंदर दूसरे गैसेस में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरेटिवली जो गैसेस होती हैं वो गैसेस के अंदर बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं। एयर के अंदर भी गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है जी। तो एयर बेसिकली क्या है, गैसेस का ही फॉर्मेशन है, गैसेस को, काफ़ी सारे गैसेस को मिलाकर ये एयर बनी हुई है, तो वो गैसेस के अंदर ही गैसेस जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं, इनका डिफ्यूजिंग रेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है जी। तो इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, ठीक है जी। वही बताया हुआ है कि गैस की स्टेट में जो होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैंडमली मतलब घूमते रहते हैं, नॉर्मली घूमते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इस रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स हिट ईच अदर, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली घूमते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जा के टकराते हैं। एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जिस कंटेनर में आप गैस पड़ी हुई है उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, ठीक है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस
फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स, ठीक है जी, कह रहे प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस, जो गैस से प्रेशर पड़ता है निकलता है वो क्यों निकलता है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो पर यूनिट एरिया के कंटेनर के वॉल के पर यूनिट एरिया के के ऊपर अपना फोर्स डालते हैं, अपना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है गैस में से प्रेशर एग्जर्ट निकलता है, एग्जर्टेड होता है, ठीक है जी। तो उन्होंने आपको नीचे दिया हुआ है सॉलिड लिक्विड, तीनों स्टेजेस दी हुई हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस की दी हुई है, तीनों इकट्ठे स्टेजेस दी हुई हैं सॉलिड लिक्विड और गैस की। उन्होंने आपको पार्टिकल्स को मैग्नीफाइड करके दिखाया हुआ है कि जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं कितने पास पास में है, लिक्विड के थोड़ी दूर दूर हैं और गैसियस के तो बहुत ज़्यादा दूर है और वो बहुत रैंडमली एक दूसरे से घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। और जो ये कंटेनर है इसकी वॉल्स के साथ भी ये टकराते हैं। इसका सबसे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है बैलून। जब हम बैलून के अंदर अपनी किसी भी बैलून के अंदर गैस भरते हैं या अपने मुंह से भी गैस हवा भरते हैं बैलून के अंदर, तो जब तक तो उसका कंटेन बैलून की वॉल्स जो होती हैं वॉल्स जो होती हैं वो उस हवा को अपने अंदर इकट्ठा करती रहती हैं, पर जब वो हवा ज़्यादा भर जाती है और बैलून की वॉल्स के लिए वो प्रेशर को बर्दाश्त करना नहीं कर पाता बैलून का जो वॉल्स होती हैं उस प्रेशर को, क्योंकि गैस जो होती है वो प्रेशर डालती है और जो प्रेशर को जो बैलून की वॉल्स नहीं बर्दाश्त कर पाते तो वो बैलून पॉप अप हो जाता है, एकदम से फट जाता है बहुत ज़ोर से, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि गैस जो होती है वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वाला चैप्टर हम जो है बाकी चैप्टर रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।